आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सिंगरौली जिले के एनसीएल परियोजना जयंत में सोमवार की दोपहर हैवी ब्लास्टिंग से एक मकान की दीवार गिर गई, जहां मड़ौली निवासी रामकुमार वसोर नामक युवक की मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय जन व विधायक सिंगरौली ने चक्का जाम करते हुए धरने पर बैठ गए, जहां करीब 4 घंटे बाद मामले को शांत कराया गया। जानकारी के मुताबिक मोरवा थाना क्षेत्र के एनसीएल परियोजना जयंत में सोमवार की दोपहर बीपीआर के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की गई थी। कुछ घंटे के बाद मड़ौली निवासी रामकुमार वसोर की मकान की दीवार भरभरा कर जमींदोज हो गई, जिसके चपेट में आने से रामकुमार वसोर उम्र 17 वर्ष के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं एक बकरी घायल हो गई है। मकान गिरने की आवाज सुनकर परिजन एवं आसपास के लोग बचाने दौड़े, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में उपचार के लिए रामकुमार वसोर को नेहरू चिकित्सालय जयंत ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के परिजन रामकुमार के शव को वापस लेकर मड़ौली जयंत मुख्य मार्ग में शव का चक्का जाम शुरू कर दिया। घटना की खबर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश को लगी तो वो भी बैठन से मड़ौली रवाना हो गए और मृतक के परिजनों के चक्का जाम का समर्थन करते हुए खुद धरने पर बैठ गए। उधर घटना की खबर पुलिस को लगी, जहां मौके पर एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक, टीआई मनीष त्रिपाठी, एएसआई अरविंद चौबे सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और करीब 4 घंटे बाद मामले को शांत कराया गया और मृतक के शव को पीएम के लिए ले जाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।